नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले फ्रांसीसी शिक्षक सैमुअल पैटी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पैगंबर साहब का एक विवादित कार्टून क्या दिखाया, धर्म के आड़ में उनकी गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और जिसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसे इस्लामिक कट्टरता का नाम दिया और जब कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लिया तो दुनिया के ज़्यादातर इस्लामिक देश उनकी आलोचना करने लगे, यहाँ तक कि फ्रांसीसी उत्पादों को बैन करने की भी मांग उठने लगी। लेकिन जब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, वेब सीरीज से लेकर उत्पादों पर हिंदू धर्म की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तब क्या आवाज़ उठानी नहीं चाहिए? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है और ये काम किया है अमेरिकन रैपर कार्डी बी ने। वैसे तो कार्डी बी अपने हाफ न्यूड फोटो को लेकर सुर्खियों में अक्सर बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने फोटो शूट के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो गई। असल में कार्डी बी ने एक जूते के विज्ञापन के लिए शूट किया और जिसमें उन्होंने हाथ में जूता लिए माँ दुर्गा के पोज में फोटो खिंचवाई। अब तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की तरह मुद्रा बनाए कार्डी बी हाथ में जूता लिए खड़ी हो रखी है। भले ही शूट के दौरान कार्डी बी को इस बात का अंदाजा ना हो कि वो जिस पोज में जूते के लिए एड शूट कर रही हैं उस मुद्रा में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अब देखिए ना, शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्र या फिर बंगाल की दुर्गा पूजा हो, भारत में शक्ति पर सैकड़ों लोगों का अटूट विश्वास है और इसी विश्वास पर उनकी आस्था टिकी हुई है। तो कार्डी बी का जब ये फोटो शूट वायरल हुआ तो उन्हें लोगों की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी और यहाँ तक कि उनके गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। हालांकि इस विरोध के बाद उन्होंने इस फोटो को डिलीट कर माफी भी मांगी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने माफी मांगी। अब देखिए, हम आपको उनका ये इंस्टाग्राम वाला वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने अपने इस वीडियो में क्या कुछ कहा ये जरूर बताते हैं। वो कहती हैं, मेरा इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था। जिस किसी की भी भावनाएं मैंने आहत की हैं, मैं उन सभी से माफ़ी मांगती हूं। ये हल्के रिसर्च का नतीजा है। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे से मैं कोई और ऐड करने से पहले अधिक गहरा रिसर्च करूंगी। अब देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन रैपर कार्डी बी हैं जिन्होंने जूते से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राज़ील के रहने वाले जॉनस मसेटी जैसे लोग भी हैं जो पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जोड़ने में जुटे हुए हैं।